नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप लोग, जो भी हमारे पास कमेंट आता है उस पर मैं वीडियो डाल देता हूं। तो मैं बहुत काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम था इसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू आपको नहीं दे पा रहा था। तो दोस्तों काफ़ी दिन से हमारे पास कमेंट आ रहा है कि सर टाटा इंडिका हम सफ़ेद धुआँ सुबह सुबह दे रही है और कुछ दूर चलने के बाद धुआँ ख़त्म हो जा रही है, लेकिन फिर भी सफ़ेद धुआँ हल्का हल्का निकल रहा है, ऐसे क्यों प्रॉब्लम आता है। और भी एक कमेंट आया था कि सर टाटा इंडिका 3 बार हीट करने पर स्टार्ट होता है और कुछ दूर आगे जाकर बंद हो जाता है और उसके बाद से 10 से 15 बार सेल्फ मारने के बाद तब स्टार्ट होता है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सफ़ेद धुआं क्यों देता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो में हम जान जाते हैं कि सफ़ेद धुआं क्यों देती है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों होती है। तो चलिए सबसे पहले हम सफ़ेद धुआं पर बात करेंगे कि सफ़ेद धुआं क्यों देती है। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके वजह से थोड़ा गाड़ी बहुत धूल मिट्टी हुई थी, तो अभी मैं इसका थोड़ा साफ़ उफ किया हूँ। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम चलते हैं इंजन के पास और वहाँ से बता दे रहा हूँ कि सफ़ेद धुआँ क्यों देती है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों होती है। 3-4 बार अब अगर आप सेल्फ मार रहे हैं और स्टार्ट हो रही है और फिर जाकर कहीं बंद हो जा रही है, उसके बाद आप 10-12 बार हीट कर रहे हैं उसके बाद से स्टार्ट होती है, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बोनेट खोलते हैं और जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व पाते हैं और कहाँ से दिक्कत होती है। तो हम पहले बोनेट खोलते हैं, ये देखिए गाड़ी का हम बोनेट खोल दिए हैं और स्टैंड लगाते हैं गाड़ी का बोनेट का। तो आप देख सकते हैं स्टैंड हम लगा दिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक भी आप लोग प्लीज़ कर दें। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए ये जो हीटर प्लग होती है इसमें 4 होता है हीटर प्लग, आप देख सकते हैं 4 हीटर प्लग है इसमें। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो देखिए क्या होती है कि अगर हमारा जो हीटर प्लग होती है अगर इसमें एक भी हीटर प्लग ख़राब रहती है तो आपको समस्या, सबसे भारी समस्या यही आती है कि आप 3-4 बार अभी को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं उसके बाद से आपको स्टार्ट होती है गाड़ी। स्टार्ट होने के बाद जैसे कुछ देर चलती है उसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है। अगर बंद हो जाती है तो उसमें क्या होती है कि 10 से 12 बार सेल्फ मारने के बाद तब जाके स्टार्ट होती है। तो देखिए प्रॉब्लम यहीं से होती है, प्रॉब्लम यहीं से होती है कि कोई भी आपका ये हीटिंग जो प्लग होती है, जो हीटिंग प्लग, ये कहीं कोई ना कोई प्लग इसका ख़राब होगी। तो ये ख़राब होने के वजह से प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग। 4 आप देख सकते हैं हीटिंग प्लग है, इसमें एक भी आपका अगर हीटिंग प्लग ख़राब रहेगा तो समझिए कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ आप हीटिंग प्लग एक बार चेक करा लीजिए। अगर चेक करने के तरीका नहीं जानते होंगे तो वीडियो में आप हीटिंग प्लग पर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो डाल दूँगा कि हीटिंग प्लग कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, आप लोग का डिमांड आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा हीटिंग प्लग चेक कैसे करते हैं और कैसे इसको खोल के बाहर निकालते हैं। तो ये 4 में से हीटिंग प्लग जो होती है, चारों हीटिंग प्लग में से कोई भी एक हीटिंग प्लग ख़राब रहती है तो 4-5 बार सेल्फ मारने के बाद स्टार्ट होती है। अगर हीटिंग प्लग सब सही रहेगा तो स्टार्ट आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलिए इस वीडियो में एक और प्रॉब्लम थी, कमेंट आया था कि सर टाटा इंडिका सफ़ेद धुआँ सुबह के टाइम में दे रही है, क्यों दे रही है। तो देखिए पहली बार ये जो नाजिल होती है इसमें भी अगर ज़्यादा जाम हो जाता है, जैसे कचड़े उचड़े अगर अंदर डीजल वर्जन की गाड़ी है तो हल्का फुल्का उधर नाजिल में कचड़ा चला जाता है, तो अगर नाजिल भी आपका पूरा वर्क नहीं करता है तो उसके वजह से भी धुआं सफ़ेद देती है। ठीक, अगर कूलेंट भी आपका कहीं लीक रहता है उसके वजह से भी सफ़ेद धुआं देती है। और देखिए कूलेंट कहाँ से लीक रहता है, जैसे गैस्केट अंदर लगा रहता है, अंदर जो चैम्बर होता है उसमें लाइनर पिस्टन जो अप डाउन करता है उसमें आपका गैस्केट लगा रहता है, उस गैस्केट में अगर
पानी अंदर की तरफ मोबाइल में जा रही है तो उस साइलेंसर के माध्यम से वाइट धुआं देगी। तो ये जो कूलेंट होता है, कूलेंट आपका जब गैसकेट से अंदर जाएगी तो साइलेंसर के माध्यम से वाइट धुआं आपको देगी। तो प्लीज़ एक बार अपना कूलेंट भी अच्छा तरह से चेक करा लीजिए, कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा है या गैसकेट से अंदर तो नहीं जा रही है, तो इसका भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कूलेंट आपका ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसको भी आप चेंज करा सकते हैं। और चेंज करने का तरीका क्या होती है कि यहाँ से आप देख सकते हैं एयर निकाला जाता है, यहाँ से देखिए आप एयर निकाला जाता है, यहीं से आप आसानी से इसको खोलकर और पूरा जितना भी है उसमें कूलेंट आप आसानी से नीचे गिरा दीजिए। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, जब अपना पूरा कूलेंट नीचे गिर जाएगा तो इसमें हल्का कूलेंट भरिए और उसके बाद से गाड़ी इंजन को चालू करके उसके बाद से पूरा कूलेंट आप इंस्टॉल करिएगा, इसमें डालिएगा। अगर गाड़ी चालू करके इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें गैस बनने का चांस नहीं रहता है, अगर बंद करके ही कूलेंट डालते हैं तो उसमें गैस बनने के ज़्यादा चांस रहती है, तो गैस निकालना पड़ता है। अगर स्टार्ट करके डालेंगे ना तो गैस निकालना नहीं पड़ेगा और आसानी से कूलेंट अंदर चला जाएगा। ये मैक्सिमम 3 लीटर पाता है, जो 1-2 लीटर कूलेंट रहता है और 1 लीटर डिस्टिल वाटर पानी रहता है। तो बस यही प्रॉब्लम होती है सफ़ेद धुआं देने का। आप एक बार प्लीज़ कूलेंट अपना चेक करा लीजिए, ज़्यादा कूलेंट पुराना भी रहता है तो सफ़ेद धुआं देने का ज़्यादा चांस रहती है। तो प्लीज़ आप कूलेंट को पूरा बाहर निकाल लीजिए और कूलेंट यहीं से बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एयर निकालने वाला होता है, यहीं से बाहर निकलेगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में आप डिमांड करेंगे तो ये हीटिंग जो प्लग है 4, इसको मैं खोल कर दिखा दूँगा कैसे चेक करते हैं। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो इसको हम खोल कर पारी पारी से चेक करा देंगे कि कैसे इसको चेक करते हैं और सही रहता है तो कैसे बताता है और ख़राब हो जाता है तो कैसे बताता है। तो वीडियो अब कंटिन्यू मिलेगा दोस्तों, अब कोई घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब वीडियो हम कंटिन्यू डालेंगे क्योंकि कुछ इशू था, कुछ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था और जल्दी मैं टैग संबंधित वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। टैग में बताऊँगा कि कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, यूट्यूब से कितना पैसा कमा सकते हैं और मैं इसमें कितना पैसा हमको मिला है कि नहीं मिला है, इस वीडियो में मैं बाद में डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।